लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आज दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के मद्देनजर वर्चुअल बैठक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर एक प्रस्तुति भी देंगे। बैठक में कोविड को लेकर कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस हाईकमान भले ही पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। धारचूला विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक बने हरीश धामी ने साफ कह दिया है कि वह फिलहाल कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। अभी आधारिक तौर पर यह साफ नहीं है कि उनके आगे की रणनीति क्या होने वाली है। प्रीतम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धामी का इस तरह का बयान सामने आना कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल दिखता है। हरीश धामी ने कहा कि वह अपने पुराने स्टैंड पर अब भी कायम है, कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हुई है, इसलिए फिलहाल वह खुद को कांग्रेस से अलग मानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आए लोगों ने भेंट की तथा अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का तत्काल निस्तारण अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसी के साथ आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार मुख्यमंत्री तक न आना पड़े, यह सुनिश्चित करना भी अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास की भावना के साथ सभी की समस्याओं के समाधान के प्रति संकल्पबद्ध है। हमने प्रदेश की जनता से जो भी वायदे किए हैं तथा राज्य के विकास के लिए जो भी संकल्प लिए हैं उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस चंपावत से प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल के साथ दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस ने अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, कटिंगमा विधायक भुवन कापड़ी और लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तीनों पर्यवेक्षक चंपावत जिला कांग्रेस व वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट देंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में राजीव भवन में हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, नव प्रभात, हीरा सिंह बिष्ट, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला और राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के अध्यक्ष मोहित उनियाल शामिल हुए। कांग्रेस ने इस दौरान अपने प्रत्याशी पर गहन मंथन चिंतन किया। कांग्रेस का कहना है कि हम उपचुनाव को जीत के लक्ष्य के साथ लड़ेंगे। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी स्थानीय कार्यकर्ताओं से राय शुमार के बाद ही तय किया जाएगा। फिलहाल प्रत्याशियों के कई नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे आगे चंपावत से पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल का नाम चल रहा है। मंगलवार को केदारनाथ से सीएम पुष्कर सिंह धामी सिद्धपीठ काली मठ पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्दी सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। काली मठ पहुंचकर मुख्यमंत्री ने आराध्य माँ काली की पूजा अर्चना करते हुए उत्तराखंड राज्य की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने काली मठ घाटी के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को गति दे रही है, जो भी संकल्प लिए हैं उन्हीं के हिसाब से विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के लक्षण होने पर बहुगुणा ने मंगलवार को कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद बहुगुणा ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोविड जांच कराने का अनुरोध किया है। इधर बहुगुणा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।